Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? Welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं आप सबको यूनिक एंड ट्रेडिशनल गला जो है बनाने का तरीका बताऊंगी, वी कॉलर नेक बनाने का तरीका बताऊंगी. ये वीडियो मेरी बिगनर्स बहनों के लिए है जिनको जो शुरू से अभी सिलाई सीख रही हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आराम से घर बैठे आप ये गला बना सकते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी. तो अभी मैं कटिंग करके बताती हूँ आपको. ये तो ये देखिए, मैं फ्रंट और बैक अलग कर लूंगी. ये मेरी बैक है और ये मेरी फ्रंट है. जैसा कि मैं आपको कटिंग वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हमने कॉलर नेक बनाना होता है तो हम अपना क्रॉस बैक और आर्म होल की लेंथ जो है वो हाफ इंच ज्यादा लेंगे. तो अगर आपने कॉलर की कटिंग करनी है, कमीज पे कॉलर बनाना है, तो आप उस कमीज की कटिंग करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि आपने क्रॉस बैक और आर्म होल की लेंथ ज्यादा लेनी होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉलर की जो हमारे गले की जो चौड़ाई होती है नॉर्मली, हम उतनी ही इसकी लेंगे. नॉर्मली जो हमारे गले की चौड़ाई होती है वो होती है 3 इंच. 3 इंच पे निशान लगाया, इस पे हमने लेंथ जो है नॉर्मल हम लेते हैं 5.5 इंच तैयार. तो इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा. अब ये हमारे लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, लेकिन चौड़ाई में हमने इस नेक में क्या करना होता है कि हाफ इंच जितनी हमारी नॉर्मल गले की चौड़ाई होगी, लंबाई तो उतनी ही होगी, लेकिन चौड़ाई जो है हमारी वो हाफ इंच हम ज्यादा उसे कर देंगे. अब यहाँ पे मैं हाफ इंच ज्यादा ले रही हूँ. अब ये हमारी चौड़ाई होगी और ये लंबाई का निशान हो गया. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हमने जो कॉलर की लंबाई लेनी है वो अमूमन जो होती है कमर तक होती है. हमारी कमर की जितना निशान होगा, ये देखें जितना हमारे कमर का निशान होगा, इससे मैं 1 इंच ज्यादा लूंगी. 13.5 इंच कमर का निशान है तो मैं 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी. 14.5 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ. आप जो मेन चीज है यहाँ पे बताने वाली वो ये कि अगर हमने पट्टी की चौड़ाई 1 इंच लेनी है तो हम 1/2 इंच निशान लगाएंगे. अगर 1.5 इंच लेंगे लेनी है पट्टी की चौड़ाई हमने रखनी है तैयार, तो हम 1/4 इंच का निशान लगाएंगे. अगर 2 इंच लेंगे, 2 इंच हम बहुत कम लेते हैं, वो भी अगर कपड़े का प्रिंट ऐसा हो उसकी कॉलर बनानी हो तो हम 2 इंच लेते हैं. अब मैंने जो लेनी है वो 1 इंच लेनी है तो मैं 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी. 1/2 इंच पे मैंने सारा निशान लगा लेना. अब मैंने जो गले की चौड़ाई का निशान लगाया था उस निशान तक मैंने इसको मिला लिया आपस में. ये 1/2 इंच मैंने यहां से निशान लगाया. अब इसको मैंने इस चौड़ाई वाले निशान के साथ मिला देना है. ये देखिए बिल्कुल हमने स्ट्रेट जो है वो निशान लगा लिया. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहां से हमने सिलाई का मार्जिन रख के कटिंग करनी है. यहां से तो हम सिलाई का मार्जिन रख लेंगे 2 से 3 पॉइंट, लेकिन यहां से पे तो जगह ही नहीं है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेन चीज आपको समझने वाली है वो हम यहाँ पे अंदर कट करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को अभी वीडियो में दिखाऊंगी. अगर आपने 1 इंच से ज्यादा चौड़ी पट्टी लेनी है तो फिर आप क्या करेंगी, आप सिलाई का मार्जिन रखने के बाद उतना कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर देंगे. ठीक है, अभी मैं कटिंग करने से पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि बिलफर्ज अगर हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है तो मैं उसका 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी. ठीक है, ये अभी समझाने के लिए आपको कर रही हूँ. 1 इंच निशान लगाऊंगी और कटिंग हमने जो करनी है वो इसका सिलाई का मार्जिन लाके इतना हमने ये चीज कट कर देनी है. लेकिन अब हमें 1 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है तो हम इसको ही कट करेंगे. और यहाँ पे आपने कॉर्नर नहीं बनाना, इसकी गुलाई देनी है. ये देखें जो हमारा पहले वाला निशान था वो किधर है और अब किधर लगा दिया. अब इसको कट करेंगे. कट करने से पहले जो यहाँ पे जो चीज है मैं आप लोगों को बताते चलूं, हमने ये जो निशान लगाया लेंथ का, इसे हमने 1/2 इंच ऊपर को कट करना है, ऊपर तक कट करना है. ठीक है, अब मैं कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ. यहां से गुलाई देनी है इस तरह. ठीक है, अब हमने यहां पे सिलाई का मार्जिन रखना है तो हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह खोलेंगे. खोलने के बाद हमने इसके अंदर जो है सेंटर में इस तरह कट लगा देना है. और कट हमने कहां तक लगाना है, जहां तक मैंने आपसे बोला है कि हमारी लेंथ से 1/2 इंच ऊपर. ये
अब यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो हमने निशान लगाया इसको हमने तिरछा इस तरह करके कट लगा देना है। ये कट क्यों लगाते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ब्लैक एंड वाली वीडियो में भी ये लगाना जरूरी होता है। ये देखें इस तरह हमने तिरछा कट लगा लिया। अब इसको मैं खोल के दिखाती हूँ कि इसकी शेप कैसी आएगी। खोलने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जितना हमने सिलाई का मार्जिन इस जगह पे दिया है इतना ही हम ऊपर से भी देंगे और दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। ये निशान क्यों लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, आप जब ऐसे ही निशान लगाएंगी तो हम इसी पे ही सिलाई देंगे तो हमारी जो ब्लैकेट है पट्टी है वो बिल्कुल पूरी परफेक्ट आएगी। ये देखिए इस साइड से मैंने निशान लगा लिया है, अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील है तो आप इसी तरह इसके ऊपर आप करेंगी, वरना आप इसको इसी तरह आप दबा के निशान लगाएंगे तो हमारी दूसरी साइड पे भी लाइन सी ड्रा हो जाएगी। ये देखें अब इसी लाइन पे हमने निशान लगा लेने। फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये निशान सिलाई का मार्जिन है तो हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे लिए कोई मसला ना हो। ये देखें जैसे इसकी गुलाई है ऐसे ही हमने इसकी सिलाई लगानी है। जी सिलाई का मार्जिन हमने लगा लिया, अब इसको मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी शेप कुछ ऐसी आई है, ये हमारी सिलाई का मार्जिन है और इसको अब हम क्या करेंगे बैग के साथ अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को समझा दूं जो कुछ बहनों को मसला होता है, ये देखिए अब एक इंच हमने चौड़ाई लेनी है पट्टी की तो ये बिल्कुल साफ है तो हमने दरमियान में जस्ट कट किया है। अब यहाँ से भी इतना मार्जिन आ गया, इस साइड से भी इतना मार्जिन आ गया जैसे हमने बैक साइड पे, ये देखिए आप इसको अगर चौड़ाई करेंगे तो ये एक इंच हमारी प्लेकेट जो ये तो अंदर चला जाएगा, एक इंच हमारी जो प्लेकेट ऊपर परफेक्ट फिट आ जाएगी। और ये जो निशान हमने क्यों लगाया ये भी मैं आपको जब स्टिचिंग करूंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आपने ये उसकी साइड पर इसका निशान लाजमी लगाना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारे साइड लाइन यही है। अब मैं इसकी शोल्डर मिला लेती हूँ, फ्रंट और बैक आपस में मिला लेती हूँ, बैक की कटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। चलते हैं मशीन पे। देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ शोल्डर्स की, यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ कि हमने बैक साइड से बिल्कुल भी कट नहीं करना, जैसा कि आपको नजर आ रहा है जितना हमारा सिलाई का मार्जिन है हमने फ्रंट और बैक को मिलाया है इसी तरह हमने ये मार्जिन भी रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको सीधा रखते हुए जैसे हमने सिलाई के मार्जिन पर निशान लगाया था तो हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं तो हमारी पट्टी की चौड़ाई कितनी आएगी। पट्टी की चौड़ाई हमारी एक इंच आ रही है तो हमें एक इंच चौड़ी पट्टी चाहिए। अब हम बुकरम पे एक इंच चौड़ी पट्टी काट लेंगे। बुकरम की चौड़ाई तो हम एक इंच ले लेंगे लेकिन उसकी लंबाई कितनी लेंगे, लंबाई के लिए हमें इसकी पैमाइश करनी होगी जिस तरह मैंने कॉलर की पैमाइश आपको बताया था। इसकी आप क्या करेंगे कि इसके दरमियान में जो बैक साइड का कट लगा हुआ था हमारे दरमियान, यहाँ से हम इंच स्टेप रखते हुए जिस तरह इसकी शेप आ रही है इसी तरह हम इसको, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह आप जैसे इसकी गुलाई आ रही है इसी तरह आपने इसको घुमाते जाना है और इसकी मेजरमेंट ले लेनी है। देखिए तकरीबन ये आ रहा है 19.5 इंच आ रहा है ये जो सिलाई का मार्जिन यहाँ तक, इसमें हम एक इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे, एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है तो एंड पे आप कट कर देंगे। टोटल हमें चाहिए 21 सिंगल है तो इसको डबल करेंगे 21 इस साइड पे 21 उस साइड पे तो ये डबल हो जाएगी 42 इंच हमें पट्टी की लंबाई चाहिए और उसकी तैयार चौड़ाई है एक इंच, लेकिन बुकरम पे हम उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ही लेंगे, एक इंच चौड़ाई और 42 इंच लंबाई चौड़ी हम बुकरम लेंगे। और कपड़ा जो हमने लेना है जिसपे हमने बुकरम को अटैच करना है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, तो ये देखिए 3 इंच कपड़े की चौड़ाई होगी, 3 इंच कपड़े की चौड़ाई होगी सिंगल। और ये मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने ज्वाइन लगा लिया, लेकिन आपके पास अगर कपड़ा ठीक है तो आप यहाँ पे ज्वाइन नहीं, इसी तरह आपको फोल्डिंग चाहिए होगी, ठीक है 1.5 इंच हो उसका और सिंगल करें तो 3 इंच हो। अब मैं क्या करूँगी एक इंच चौड़ी पट्टी कट करके तो यहाँ पे पेस्ट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ले चुकी हूँ, इसकी मैंने चौड़ाई ली है 1 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 42 इंच लगभग इतनी ही ली है। ये देखें अब मैं इसको इसी पट्टी को खोलूँगी, ये जो मैंने कपड़े की जो चौड़ाई ली थी 3 इंच इसको मैं खोलूंगी और इसको ये जो साइड है इसको मैं इस तरह रखूंगी और इसको मैं प्रेस करके बिठा लूंगी। प्रेस करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें मैं पट्टी लगा चुकी हूँ और मैंने सिंपल इसको फोल्ड कर लिया है, इस तरह मैंने ये पट्टी लगाई है, लगाने के बाद मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब क्या करेंगे इसको एक साइड पर करते हुए हमने सिलाई लगानी है, ये जो हमारी सीधी साइड है जिधर हमने पट्टी अटैच की है इस साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है इस साइड की, इस साइड के हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई क्यों लगाते हैं इसलिए कि हमारे जो है वो हमें मालूम हो कि हमारी बुकरम की चौड़ाई यहाँ तक आ रही है।
इसी तरह आप जो है वो सारी सिलाई लगा दें। लगाने के बाद मैं दिखाती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको हम कट कर लेंगे सिवाय अपने सिलाई के मार्जिन के। सिलाई का मार्जिन मैंने आप सबको बताया था हाफ इंच आप नहीं लेंगे, ना ही कमीज पे और ना ही इस कॉलर पे। तो इस तरह जितना आप लोगों के सामने नजर आ रहा है इसी तरह आप इतना सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें और तकरीबन इंच टेप पे 2 या 3 पॉइंट आपने मार्जिन रखना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना। अब जो इसका हाफ होगा उसको हम कट लगा लेंगे ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारा हाफ जो है वो आप कमीज की जो है सीधी साइड और कॉलर की भी सीधी साइड, जिस साइड पे हमने बुकरम अटैच किया था वो वाली साइड नीचे और कमीज की भी सीधी साइड के साथ सीधी साइड अटैच करनी है। और ये जो हमारा सिलाई का मार्जिन है इसी भी हमने दरमियान से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है और इसी तरह हमने सिलाई लगाते जाना है। देखें सिलाई लगा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारी जो लेडीज ब्लैकेट होती है वो शर्ट के दाएं साइड पे होती है। अब इसको हम नीचे करेंगे, इसको नीचे की तरफ इस साइड से हम इसको अंदर कर दिया। अब ये वाली ब्लैकेट हम जो शर्ट से राइट साइड की है वो हम ऊपर करेंगे, तो इसको हम इसके ऊपर अंदर कर देंगे इस तरह। जी अब हम नीचे से इसकी सेट करेंगे, इसको तब तक सेट करेंगे जब तक ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो जाती। अब ये देखिए आप इसको जब हम प्रेस करेंगे अब ये ऊपर से ये ऐसी आएगी, यहाँ तक हमारी ऊपर नीचे आएगी, उसके बाद ये ऊपर से तिरछी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस करके बिठा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। जी ये देखें अब मैं प्रेस इसे कर चुकी हूँ, आप सब भी प्रेस करके तो फिर आगे सिलाई किया करें। ठीक है, इससे ये है कि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे आप लोगों को बात बताते चलूँ कि हमने यहाँ पे ये जो लाइन होती है बिल्कुल सीधी रखनी है, इसको जितना हमने ये देखें इस तरह। अब आप चाहे तो इसके बारीक किनारे पे भी इस तरह ऑल ओवर यहाँ से सिलाई शुरू करें और इसी तरह लगा दें, या आप जो है वो इसके अंदर में यहाँ पे अगर हाथ रख के आप लोगों को दिखा दूँ, ऊपर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये देखें अंदर से जो हमने तिरछा कट लगाया था इस तरह करके भी आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं मजबूती के लिए इसके बारीक किनारे पे सिलाई लगाऊंगी बाहर वाली साइड पे, इस साइड पे। ठीक है, यहाँ से लेकिन मैं स्टार्ट लूँगी पीछे से, ताकि जैसा मैं आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ अगर बैन लगाना हो या कोई भी चीज़ सिलाई करनी हो कॉलर वगैरह। अब बिल्कुल हम इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये हमारी खुली साइड है, इसको हम बंद कैसे करेंगे,
हम यहाँ पे लूप्स लगा सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल आप बंद कर सकते हैं, ये देखिए। अब मैं क्या करूंगी, इसको यहां तक मैं बंद करूंगी, लेकिन बंद करने से पहले यहां हम इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन आपने पीछे से हमारे गले की चौड़ाई देखनी है, गले की चौड़ाई कितनी आ रही है टोटल, क्यों देखी जाती है ये, ताकि हमारा ये सिलाई लगाने के बाद जब हम गला पहने तो हमें तंग ना महसूस हो। तो इसके लिए हमारा कम से कम 11 इंच गला होना चाहिए, 11 इंच से ज्यादा हो तो ठीक है, 11 इंच से कम हो तो गला वो पहना नहीं जाएगा। अगर ये देखें, अब मैं जो सिलाई लगाऊंगी इसको सेट करते हुए, अगर मैं यहां तक मैं सिलाई लगाऊं, ठीक है, तो अब मैं अगर मैं आप लोगों के साथ दिखा भी दूं, ये देखें, अब मैं इसको इस तरह करते हुए ये जो इसका मिड आ रहा है यहां से मैं रखूंगी इंच स्टेप और मैं यहां तक लेके जाऊंगी, ये देखें जी मेरा आ रहा है 11 इंच, ये देखिए 11 इंच, तो ये गला आसानी से पहना जाएगा। जिसकी इस तरह चौड़ाई जो है 11 इंच आए तो समझें कि वो आपको गला पहनने में आसानी होगी, 11 इंच से कम हो तो फिर आप जो है आप क्या करेंगे, यहाँ तक आप आधी सिलाई लगाएं, उसके बाद आप ऊपर से आप टिच बटन लगा लें अंदर की तरफ, या यहाँ पे आप लूप्स बना के भी लगा सकती हैं। मैं इसको बंद कर जो हमारा एक्स्ट्रा होगा धागे और कपड़ा हम कट कर लेंगे, हमारा गला रेडी हो गया। देखिए हमारा गला बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए था, इसमें मैंने कोई ये देखें, इसमें मैंने ये नीचे से एक पैसे छोड़ा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कपड़ा कैसे कवर करेंगे, बिगनर्स पहले ऐसा लगाना सीख लें, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आप लोगों को सिखाऊंगी। ये पीछे से भी मैंने छोटा छोटा कट कर दिया, ये देखें कितना हमारा नीट गला तैयार हो चुका है। कैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।